नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड विद रोहन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हलवा स्टाइल गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, आज मैं बनाने जा रहा हूं गाजर का हलवा यानी कि गजरेला। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फटाफट हम गाजर का हलवा बनाते हैं, क्या क्या मैं उसमें इंग्रीडियंट्स ले रहा हूँ, क्या क्या सामग्री ले रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और ऑल बटन पे क्लिक जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। ये मैंने लाल लाल गाजर ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से छील लिया है, एकदम बढ़िया गाजर लाल मीठे वाले ले लिए हैं। आज मैं बहुत सारा हलवा बनाने वाला हूँ, लगभग 15 किलो गाजर का हलवा। इसको गाजर को आगे पीछे से इस तरह से काट लिया है, ये आप इस तरह से काट लें और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लेते हैं, जो मोटे साइड होते हैं उस साइड से हमने इसको ग्रेट करा है। इस तरह से हमने सारी गाजर जो है ग्रेट कर ली है, कद्दूकस कर लिया है। और हलवे के लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसको मैंने उबाल लिया है, 6 लीटर दूध लिया था मैंने, वो उबाल लिया है। एक भारी पतीले तले का पतीला लेंगे, हलवा ज़्यादा है तो इसलिए मैं पतीले में बना रहा हूँ। और इसमें मैं 1/2 किलो घी ऐड करूँगा, 1/2 किलो घी ऐड करके इसको गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा गाजर भून लेंगे, जिससे कि हमारा गाजर का हलवा थोड़ा बढ़िया फ्लेवर वाला हो, अच्छी खुशबू वाला हो। थोड़ी देर से हम इसे घी में भूनेंगे। गाजर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने पतीला बड़ा लिया है, कढ़ाई अभी हमारे पास छोटी थी तो मैंने पतीले में इसे भून लेंगे। एक गाजर का वाला थोड़ी देर भून लिया हमने, दूध हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका था, इसको हम गाजर में ऐड कर लेंगे और इसको गाजर को दूध के साथ मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे, क्योंकि जब तक इसका सारा गाजर दूध को अब्जर्व नहीं कर लेता तब तक इसे हम हिलाएंगे। ये लगभग दूध हमारा सूख चुका है, गाजर ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। इस कंडीशन में अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, इसमें मैंने 800 ग्राम के आसपास चीनी डाली है 15 किलो गाजर में। इसको थोड़ी देर पकाया, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें खोया थोड़ा भून लेंगे। खोया भूनने के बाद इसमें हम गाजर ऐड कर लेंगे। मैंने पतीले से अब कढ़ाई में ये ले लिया है क्योंकि गाजर अब बैठ गई है, तो इसे हम कढ़ाई में थोड़ी देर और भूनेंगे। चीनी डालने के बाद गाजर थोड़ी पानी छोड़ती है और इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी देर और भुनेंगे, इसका जो भी थोड़े बहुत पानी होगा अच्छी तरह से वो ड्राइनेस हो जाएगा, अच्छी तरह सूख जाएगी। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से काफ़ी टाइम तक स्टोर भी रख सकते हैं। हलवे के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश। काजू और बादाम मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं और किशमिश को ऐसे ऐड कर लिया, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स कर लिए हैं। इनको हम एक पैन लेंगे, इसमें घी डालते हैं, घी गर्म होने के बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स को
हल्के से हम भुनेंगे इसको, हल्का सा कलर आ जाए इसमें, जिससे कि हमारा हलवा और बढ़िया और टेस्टी लगे। इसको हल्के से हम सौते करते हैं, ज़्यादा देर इसको भूनना नहीं है, हल्की सी कलर आ जाए इसमें हल्की सी। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स लगभग भून चुका है, ज़्यादा हमने इसे भूनना नहीं है। ये देखिए, और कढ़ाई से मैंने फिर दोबारा ये सारा हलवा जो है पतीले में डाल लिया है, उसमें खोया और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया और सुंदर लग रहा है दोस्तों, गाजर का हलवा। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये मैंने एक डिश में से निकाल लिया है, एकदम कितना बढ़िया और सुंदर लाजवाब लग रहा है हलवा दोस्तों। तो आप भी बनाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। आज मैंने बनाया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और आप भी बनाइए, आप भी शेयर करें। तो चैनल में नए हैं, ये बाकी हलवा है सारा पतीले में रखा हुआ दोस्तों। देखो इसको अभी पार्टी होने वाली है हमारी होटल में, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो हलवा हमारा रेडी है, और एक पोषण में मैंने अलग से निकाला था वो ये हलवा, कितना सुंदर और बढ़िया लग रहा है दोस्तों। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए मैंने। तो थैंक यू।